मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। अच्छे खाने के बाद एक अच्छा मीठा भी चाहिए होता है, और मीठा भी ऐसा जो दिल खुश कर दे। तो आज हम एक ऐसा ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाएंगे जो बआसानी बन जाता है, जिसका नाम है कलाकंद, और वो भी बिना मावा और खोए के। चलें बनाते हैं। इसके लिए लिया है हमने 1 लीटर दूध, जिसे हमने बॉईल करने रख दिया। 4 टेबलस्पून हमने विनेगर लिया है, 3/4 कप पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप हमने पाउडर्ड मिल्क लिया है, और ये हमने पिस्ते लिए थोड़े से जिन्हें हम स्लाइस कर लेंगे, और ये हमने गुलाब की पत्तियां लिए थोड़ी सी, और 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। विनेगर में हम थोड़ा नीम गर्म पानी मिलाएंगे। दूध बॉईल होने लगा, अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, जिससे कि ये दूध अच्छे तरीके से फट जाए। और देखें ये फटने लगा। अब बाकी का विनेगर भी डाल देंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह दूध फट चुका है। अब इसे स्ट्रेन करेंगे हम। अब ये दूध कम्प्लीटली फट गया, अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले लें मलमल का, और अगर पुराना दुपट्टा हो तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। हमने सारा ये फटा हुआ दूध इसमें डाल दिया। अब ये हमारा पनीर तैयार हो गया, और इस पर लेकिन अभी ये गर्म है तो इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। पाउडर्ड मिल्क को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और पैन हमने अपना ऑन कर लिया। अब इसमें हम इसको दूध को डाल देंगे, पाउडर मिल्क को डाल देंगे। थोड़ी शुगर भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने पनीर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसे हाथ से हम थोड़ा मैश कर लेंगे। इसमें थोड़ी शुगर और ऐड करेंगे।
इसे लो फ्लेम पर आपको रखना है और इसको चलाते रहना है लगातार। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया, अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे ये, और इसको चलाएंगे। इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें इसको जमाना होगा हमें। अब इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब तक हम पिस्ते स्लाइस कर लें। इसे गार्निश करेंगे हम पिस्ते से, स्लाइसेस से पिस्तों के, और ये रोज पेटल्स जो हैं। थोड़ा सा प्रेस कर दें कि ये सेट हो जाए इसमें। अब हमारा ये सेट हो गया कलाकंद। अब इसके हम पीसेस करेंगे। बहुत संभाल कर करने का है क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। और फिर इसको इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। हमारा कलाकंद मिठाई बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े का बना है। तो ये मज़ा लेने के लिए आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा, और जब भी बनाएं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपको असली मज़ा आया नहीं कलाकंद का तो मुझे सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।